और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए जो तरह तरह से एक मुद्दा बनाते हुए एक डिजाइन के साथ एक देश भर में हवा खड़ा करने का जो कोशिश करता है, इसको समय समय में जनता ने जवाब देते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दो टुक क्लियरली पब्लिक मीटिंग में भी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग में भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कट इस बात को कहा है। और मैं आपको एक दो लाइन प्रधानमंत्री जी के वाक्य का बताना चाहता हूं। मैं कोट करता हूं प्रधानमंत्री जी का, सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव इंसाइटेड वायलेंस इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन, दोज एंगेज इन डिस्टर्बिंग द हार्मनी इन द कंट्री आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द इमेज ऑफ द नेशन, द स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट डील स्टर्नली अगेंस्ट सच एंटी सोशल एलिमेंट्स। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने और बहुत कुछ बातें कही। उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के आपके नेतृत्व ने कभी कंडेम किया है इस चीज को, बताइए। हमारा प्रधानमंत्री जी ने कंडेम किया है और राज्य सरकार को कहा है कि कदम उठाना चाहिए। आपके सरकार, आपके प्रधानमंत्री तो कभी एक शब्द भी इसका जिक्र नहीं किया। आपने कभी इसको इश्यू बनाया? आपने समय समय में जो इश्यू बनाया, मैं आपको दो मिनट बाद में उसको बताता हूं। लेकिन आपने एट्रोसिटीज के नाम लेकर के, दलितों और मुसलमानों का नाम लेकर के आपने जो वोट बैंक का राजनीति किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे सत्ता में आने से पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी पूरा हमारे पास तथ्य है, हमारे पास फिगर्स है। फिगर्स आपके सरकार का भी था, हमारे सरकार का भी है। ये फिगर हमने नहीं बनाया। और मैं दलितों का बात करता हूं, ये एक ट्रेन है इस देश में, काफी सालों से एक ट्रेन चलते आया है। देयर इज ए ट्रेन विच इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी गवर्नमेंट, ये चलते आया है। इसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के ऊपर में जो एट्रोसिटीज हुआ है वो उत्तर प्रदेश नंबर वन रहा है 2016 का रिकॉर्ड के मुताबिक। 2016 हमारा सत्ता आया है भारतीय जनता पार्टी का, 2017 में। 2016 तक का जो रिकॉर्ड है उसमें नंबर वन उत्तर प्रदेश, नंबर टू बिहार, नंबर थ्री राजस्थान, नंबर फोर मध्य प्रदेश, नंबर फाइव आंध्र प्रदेश। और ये हमारा सत्ता में आने से ये फिगर बदला नहीं है,